जय हिंद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डोमेन फॉरवर्डिंग किस तरह से की जाती है। तो ये डोमेन फॉरवर्डिंग हम जब डोमेन हमने नेट 4 पैनल पर लिया हुआ है तब उस समय डोमेन फॉरवर्डिंग कैसे की जाएगी। तो स्पेसिफिकली नेट 4 के पैनल पर डोमेन फॉरवर्डिंग को हम यहाँ पर सीख रहे हैं। कॉरिकल के साथ ट्रेनर बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए हमारी कंपनी के साथ कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। आवर कंपनी कॉरिकल इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। तो आज के इस लेक्चर में डोमेन फॉरवर्डिंग सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डोमेन फॉरवर्डिंग हम कहते किसको हैं। तो हमारे पास एक वेबसाइट है सच एज कॉरिकल डॉट इन। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट होस्टेड है जो कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी की अपनी खुद की वेबसाइट है, कॉरिकल इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट है। अब हमने एक नया डोमेन परचेज किया कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम। अब हम ये चाहते हैं कि कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम जब हम ओपन करें तो हमें इस पर एक वेबसाइट दिखाई दे, लेकिन ये वेबसाइट वही हो जो कि कॉरिकल डॉट इन पर है। तो या तो एक तरीका है कि दूसरा हम होस्टिंग स्पेस परचेज करें, डाटाबेस स्पेस परचेज करें और इस पर वेबसाइट को पुनः होस्ट कर दें, और एक सिंपल तरीका है कि हम डोमेन फॉरवर्डिंग अप्लाई कर दें। तो कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम पर हम डोमेन फॉरवर्डिंग अप्लाई कर दें। तो उससे क्या होगा कि जब हम कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम ओपन करेंगे तो ओपन जो होगा वो हमारा कॉरिकल डॉट इन ही ओपन होगा। तो ये जो फंडामेंटल जो दिखाई देता है इसको हम कहते हैं डोमेन फॉरवर्डिंग। दो तरीके का फंडामेंटल यहाँ पर दिखाई देगा कि हम कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम को ओपन करेंगे तो हमारा डोमेन चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा। अगर डोमेन चेंज नहीं होता है यानी कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम ओपन करने पर वही बना रहता है लेकिन वेबसाइट कॉरिकल डॉट इन की खुलती है, तो इस तरह की डोमेन फॉरवर्डिंग को हम कहते हैं मास्किंग, कि हमने कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम को डोमेन फॉरवर्ड तो किया लेकिन एक्चुअल डाटा कहाँ से आया उसको हमने मास्क कर दिया, मास्किंग अप्लाई कर दी। दूसरा, हमने डोमेन फॉरवर्डिंग अप्लाई की कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम पर। जैसे ही हमने डोमेन को ओपन किया हम कॉरिकल डॉट इन पर पहुंच गए, तो इसको हमने कहा कि ये हमारा नॉर्मल डोमेन फॉरवर्डिंग है। ऐसा ही सेम केस हम एक एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हैं। कॉरिकल वर्ल्ड वाइड डॉट कॉम कॉरिकल इन्फोटेक इंडिया की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और इस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने एक दूसरा डोमेन परचेज किया हुआ है कॉरिकल डॉट वर्ल्ड। जब हम कॉरिकल डॉट वर्ल्ड को यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमें जो फर्दर जो वेबसाइट मिलती है वो कॉरिकल, अगर आप ध्यान देंगे तो हमें जो वेबसाइट यहाँ पर मिलती है वो कॉरिकल वर्ल्ड वाइड डॉट कॉम ही हमारी ओपन हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया हुआ है ये डोमेन फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि कॉरिकल डॉट वर्ल्ड पर भी वही वेबसाइट ओपन होती है जो कि कॉरिकल वर्ल्ड वाइड डॉट कॉम पर प्रेजेंट होती है, जो कि आप अभी इस पूरे जो वीडियो जो आपने देखा देख रहे हैं इसमें आप अभी इसको देख रहे हैं। तो नाउ कॉरिकल वर्ल्ड वाइड डॉट कॉम एंड कॉरिकल डॉट वर्ल्ड दोनों एक ही वेबसाइट को यहाँ पर रेफर करते हैं। तो अभी हमने एक डोमेन परचेज किया कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम और हम चाहते हैं कि कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम पर जब हम क्लिक करें ओपन करें तो कॉरिकल डॉट इन की वेबसाइट यहाँ पर हमारी क्या हो, ओपन हो। तो इसके लिए हमें नेट 4 के पैनल पर जाना होगा जहाँ पर कि हमने कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम को परचेज किया हुआ है। जब हम नेट 4 के पैनल पर यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम में देखेंगे कि वहाँ पर उस कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम के अंदर डोमेन के पास, डोमेन को थोड़ा सा गौर से देखें, हॉरिजॉन्टली देखें तो हमें वहाँ AR लिखा मिलेगा, आगे चल के और भी ऑप्शंस मिलेंगे, MX मिलेगा, साथ में एक URL का ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा होता है। जो URL का जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है जब हम डोमेन फॉरवर्डिंग अप्लाई करते हैं तो उस URL के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम डोमेन हमारे पास है या नहीं। तो हम देखते हैं कि डोमेन हमारे पास है। अब कॉरिकल सोसाइटी डॉट कॉम डोमेन के आगे URL लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। URL पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं
जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें कि coracle society.com एक जगह लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे फॉरवर्डिंग ऑप्शंस का लिखा गया है। तो यहाँ पर हम फॉरवर्डिंग में HTTP के साथ अपने डोमेन को दे सकते हैं जिस पर कि coracle society.com को हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो हम coracle.in पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हम coracle.in वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ से URL को कॉपी करते हैं, http://www. के साथ आपका डोमेन कॉपी हो जाता है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो HTTP और https://www.coracle.in को टाइप भी कर सकते हैं। मास्क करेंगे अगर हम डोमेन को हाइड करना चाहते हैं तो, और अगर मास्क नहीं करते हैं यानी उसको अनचेक कर देते हैं तो एग्री करने के बाद हम डायरेक्टली भी डोमेन फॉरवर्डिंग को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मास्किंग का सेंस हम पहले बता चुके हैं कि मास्किंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि coracle.in न ओपन होकर coracle society.com एज इट इज हमें वहाँ क्या है क्या लगेगा, दिखाई देगा। जैसे ही हम आपका ओके करते हैं तो अब हमारा यहाँ पर डोमेन फॉरवर्डिंग अप्लाई के लिए वो कंफर्मेशन का मैसेज पूछता है, हमारा डोमेन फॉरवर्डिंग अप्लाई हो जाती है। जब हमारा डोमेन फॉरवर्डिंग अप्लाई हो जाती है तो तुरंत ये रिफ्लेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये ISP टू ISP डिपेंड करता है, GoDaddy पर हो या फिर नेटपोर पर हो, जो नॉर्मल टाइमिंग है 24 घंटे से 48 घंटे का टाइमिंग है जब ये आपका डोमेन फॉरवर्डिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डोमेन फॉरवर्डिंग आपकी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब 24 से 48 घंटे के बीच में ये एग्जैक्टली आपकी डोमेन फॉरवर्डिंग यहाँ पर अकर हो चुकी होगी। तो